should take it slow. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। आज हम बना रहे हैं कीमा बिरयानी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है आधा किलो, एक कप दही लिया है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसको बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, नमक भी आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। 3 हरी मिर्चें ली हैं, उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून सिरका लिया है, आप चाहें तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। तो चलिए पहले हम कीमा बिरयानी के लिए कीमा तैयार करते हैं। तो व्यूअर्स, कीमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/2 कप ऑयल का, और यहाँ पे मेरे पास स्लाइस हुई भी प्याज है, तो ये प्याज इसमें शामिल करेंगे और इसे हम लाइट गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन सा फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको 2 मिनट के लिए हम अच्छे से सौते कर लेंगे प्याज के साथ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने प्याज और अदरक लहसुन को अच्छे से सौते कर लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी ड्राई मसाले, जिसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला है, तो ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कीमा, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो चिकन या मटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देखिए मैंने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कीमे का जो रंग है वो बदल चुका है। इसको बस मैं थोड़ा सा भून लूँगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट दरमियानी आँच पर मैं इसको भून रही हूँ। तो व्यूअर्स, कीमे को मैंने थोड़ा सा भून लिया है, आप देख सकते हैं इसका रंग। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे सिरका, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसको मैं दरमियानी आंच पर इतना पकाऊंगी कि जो हमारा कीमा है ये ऑयल छोड़ दे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कीमे ने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो अब मैं चूल्हे की आंच को दरमियाना कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर, ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छे से पक जाए। तो व्यूअर्स, कीमा बिरयानी के लिए हमें चावल को उबालना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कप चावल लिए हैं बासमती, और आधे घंटे के लिए मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। जो सादा पानी हमारे नलकों में आता है उसी पानी में मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। 1/2 कप यहाँ पे हरा धनिया लिया है, 4 हरी मिर्चें ली हैं और इसको इस तरह लंबाई में काट लिया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 लौंग ली हैं, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च ली है, 2 सब्ज़ इलायची ली है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 तेज़पात लिए हैं, उसको मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है, और यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए कीमे का रंग कितना खूबसूरत सा आ चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे और मैं अब चूल्हे की आँच को तेज़ करूँगी और इसको इतना पका लूँगी कि कीमा जो है वो ऑयल अच्छे से छोड़ दे। तो तेज़ आँच पर इसको पका लेते हैं। तो व्यूअर्स, कीमे ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसको मैं साइड पे रखती हूँ और चावल रेडी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे चावल को बॉईल करने के लिए मैंने हसबे ज़रूरत एक देगची में पानी लिया है। इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, लौंग, साबुत काली मिर्च, सब्ज़ इलायची और सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी तेज़पात,
नमक शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। तो चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना रखा है, इंतज़ार करते हैं कि पानी में एक उबाल आ जाए। तो व्यूअर्स, पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चावल, इसको मिक्स कर लेंगे। चावलों को इतना बॉईल करेंगे कि सिर्फ इसमें एक कनी रह जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे चावल बहुत बेहतरीन से बॉईल हो चुके हैं, तो अब मैं इसको छान लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक देगची ली है, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चावल। तो यहाँ पे एक लेयर सेट करेंगे हम चावलों की। तो अब यहाँ पे मेरे पास कीमा है जो हमने बीफ का रेडी किया था, तो इस कीमे की हम एक लेयर सेट कर देंगे और इसके बाद दोबारा मैं सेट कर दूंगी लेयर एक और दफ़ा चावलों की इसके ऊपर। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से तले हुए प्याज हैं, तो ये प्याज मैं थोड़े से इसके ऊपर डाल दूंगी इस तरह। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून दूध है, इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये इस तरह इसके ऊपर मैं फैला के डाल दूंगी। तो अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो चावल हैं वो भी अच्छे से सेट हो जाएं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी कीमा बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो व्यूअर्स, बहुत ही लजीज सी कीमा बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमें फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया और आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगहबान। Say